नुहू से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने दिया हड़ताली कर्मचारियों को समर्थन। बता दें कि SHKM GMC नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के बैनर तले सभी SHKM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल को सोमवार को स्थानीय कांग्रेस विधायक आफताब अहमद का समर्थन मिला है। आफताब अहमद ने मांगों का समर्थन करते हुए सरकार आने पर सभी मांगों को पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कर्मचारी विरोधी है, कई विभाग के कर्मचारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। HKRN योजना पर हमला करते हुए कहा है कि 10 साल की बात कर रही है सरकार, लेकिन कर्मचारियों की वेतन विसंगति इसमें है, लाभ पिछले 2 वर्षों का दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी मेडिकल कॉलेज में हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। आफताब अहमद ने कहा है कि इसमें संख्या मुख्य मांग यह है कि 7200 रुपये नर्सिंग अकाउंसिंग केंद्र की तर्ज पर और केंद्र की तर्ज पर सभी पदों के ग्रुप बदले जाएं कि पिछले 15 सालों से मांग कर रहे हैं। इसी संदर्भ में पहले भी वो कर चुके हैं आंदोलन। एसोसिएशन प्रधान नरेश कुमार के द्वारा बतलाया गया कि सरकार हमारी मांगों को अनसुना कर रही है, अगर आज भी इस संदर्भ में कोई समाधान नहीं होता है तो निश्चितकालीन ये धरना जारी रहेगा, जिसमें आम जन को होने वाली परेशानियों की जिम्मेदारी प्रशासन सरकार की होगी। आप देख रहे हैं नुह में वास लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज आप वहां पहुंचे हैं, आपने समर्थन दिया, क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से और उनका दृष्टिकोण, चाहे समाज का कोई वर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, किस तरीके से कहीं परिवार पहचान पत्र, कहीं प्रॉपर्टी आईडी, कहीं जो है अलग अलग तरीके से, कर्मचारियों का भी कोई वर्ग ऐसा नहीं है, चाहे वो महिला कर्मचारी हो, आंगनवाड़ी हो, हेल्थ की हो, गेस्ट टीचर हो, और शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज के आज हम गए तो वहाँ सबसे पहले तो नर्सिंग स्टाफ है, उनकी 2 मांगे थी कि केंद्र की तर्ज पे उन्हें ग्रुप ए और बी में उन्हें कंसीडर किया जाए, उन्हें ग्रुप सी में कंसीडर किया जाए, और स्पेशल अलाउंस के तौर पे जैसे केंद्र में 7200 रुपये प्रति मास उनको अलाउंस मिलता है, हरियाणा में सिर्फ 1200 रुपये मिलता है। तो उनकी बात थी, ये हमें जायज बात लगी कर्मचारियों की, और हमने उनका समर्थन किया, और आगे आने वाले समय में इसके ऊपर पूरी तरीके से सहानुभूतिपूर्वक इस पर हम पार्टी के तौर पे विचार करेंगे। और दूसरी ओर हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जो कि अपने आप में एक ऐसा जो है धोखा है कर्मचारियों के और युवाओं के साथ, मैं समझता हूँ कि ना तो उसमें पारदर्शिता है, ना उसमें वेतनमान की पूरी विसंगतियां हैं, और ना उसमें रेगुलर जो है लगता है, और कोई किसी उसके लिए कार्यरत 12 साल से ज़्यादा जो 10 से 12 साल से कार्यरत कर्मचारी हैं उनको ये कह दिया कि आपका जब से 2022 से कौशल रोजगार निगम में रजिस्टर है, जब से ही आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा। ये सरकार दो एक तरफ धोखा दे रही है कि हम 10 साल से जो HKRM में लग रहे हैं, 10 साल से पहले तो HKRM था ही नहीं, ये तो कांग्रेस के समय के भर्ती कराए हुए सफाई कर्मचारी हैं बेचारे, और नए कर्मचारी हैं जो सैकड़ों की तादाद में शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज में लग रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सरकार कर्मचारियों का दमन भी कर रही है और उनकी जायज बातों को मानने के बजाय उनको हड़ताल के राह पे चल रही है, और आज पूरे हरियाणा में कर्मचारी वर्ग सड़क पे है, वो सिर्फ इनकी नीतियों की वजह से है। हम ये समझते हैं जो है एसेंशियल सर्विसेज है, हेल्थ जो है, जो उससे सेहत की बात है, मरीजों की देखभाल की बात है, उससे सारा काम अस्पताल का जो है उससे प्रभावित होता है। मैं समझता हूँ कि इन पे सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करना चाहिए, और कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कर्मचारियों के प्रति जो भी जायज उनकी बातें हैं उनको पूरा करेगी, ये हम अपने कर्मचारी वर्ग से वादा करेंगे भी अपना, क्योंकि मैनिफेस्टो अभी बनने की प्रक्रिया है, और इसलिए हम कहते हैं कर्मचारी भी प्रदेश में हमारी जैसे देश है, प्रदेश में जनता है उसके साथ साथ उसका एक अंग है, और उनको सहानुभूति पूर्वक उनके मांगों पर विचार करना चाहिए।